छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में खाली हुए दो स्थानों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने यूपी और बिहार के प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसे छत्तीसगढ़ियों का अपमान बताते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में खाली हुए दो स्थानों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यूपी के राजीव शुक्ला और बिहार के रंजीत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस पर इसे छत्तीसगढ़ियों का अपमान बताते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने मंगलवार को दुर्ग के गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मंच से प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष एच राजकुमार गुप्त ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि माता कौशल्या के मायके और राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में प्रतिनिधि बनाकर भेजने के लिए एक भी योग्य प्रत्याशी नहीं मिला, जो यूपी और बिहार से प्रत्याशी आयातित कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के इस निर्णय को गुरु घासीदास, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की कुर्बानियों का अपमान और छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान पर आघात निरूपित करते हुए कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के दो सीट खाली हुए हैं, चुनाव होना है। आज नामांकन भरे की आखिरी तारीख है। चूँकि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के संख्या विधायक मन के 70 है, जाहिर है दोनों सीट में कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी जीत करके जाने वाला है। पहली ये जो दो सीट खाली हुए है, एक राम विचार नेताम भाजपा से और दूसरा कांग्रेस पार्टी से छाया वर्मा, ये दोनों छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि रही हैं। अभी जो दो सीट में चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी है यूपी के राजीव शुक्ला और बिहार के रंजीत रंजन, ये दो हिंडे यहाँ से छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बना है राज्यसभा के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के विरोध ये बात की है कि 3 करोड़ से ऊपर के आबादी वाले छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास के छत्तीसगढ़ में, वीर नारायण के छत्तीसगढ़ में, गुंडाधुर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक भी योग्य लायक छत्तीसगढ़िया नहीं मिली, केवल पड़ोसी राज्य से आयात करके यहाँ पे प्रत्याशी बनाने लगे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का विरोध करत है और आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये जो राज्यसभा में बाहरी प्रत्याशी आयातित करके जो भेजे के निर्णय है कांग्रेस पार्टी के, एक विरोध में आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की तरफ से हमन हाँ आज प्रदर्शन करे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।